अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैमर बाय ओरी फ्लेम। गाइस आज की वीडियो में आज ये पार्सल अनबॉक्स करने वाली हूँ। एक्चुअली दिस इज़ द मोस्ट अवेटिंग पार्सल ऑफ द ईयर 2019। मैंने दो ऑर्डर प्लेस किए थे, अब मैं नहीं जानती कि इसमें एक ऑर्डर की चीज़ें हैं या दो ऑर्डर की हैं, लेकिन अब ओपन करके देख लेते हैं। सो लेट्स जस्ट क्विकली गेट इन द वीडियो, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट इट। सो गाइस दिस इज हाउ द पार्सल लुक्स लाइक। एक ये बड़ा सा पार्सल है जिसमें श्योरली एक ही ऑर्डर की चीज़ें हैं, दूसरी ऑर्डर की चीज़ें मुझे नहीं आई। उसके साथ एक शॉपिंग बैग है एज ऑलवेज, और उसके बाद जो है वो ये न्यू कैटलॉग है। इसका इंट्रो भी शेयर कर चुकी हूँ, ये जनवरी टू मार्च का कैटलॉग है। तो चलिए फिर इसको ओपन कर लेते हैं। काश मुझे दोनों ही पार्सल की चीज़ें आ जाती तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती, पर मैं कंपनी को मेल करूँगी कि मुझे वो भी डिलीवर कर दी जाए। ओह स्टनिंग। सबसे पहले जो है वो ये मुझे एक बैग आया है। गाइस लेट्स जस्ट पॉज फॉर अ सेकेंड एंड अप्रिशिएट दिस बैग, सच अ क्यूट बैग। ओह माय गॉड आई एम लविंग इट, I can't wait to use it. Just open it quickly. Okay, इसमें इतनी स्पेस है, कम नहीं है वैसे, काफ़ी अच्छी स्पेस है। आपका मोबाइल, आपके पैसे, आपका बहुत कुछ इसमें आ सकता है, छोटा मोटा सामान, स्पेशली मुझ जैसी गर्ल्स के लिए जिनका गुजारा तब तक नहीं होता जब तक ढेर सारा सामान लेके घर से ना निकले, उनके लिए बहुत अच्छा है। सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू दिस। दिस इज आई पेंसिल काजल टाइप ऑफ थिंग। ओके दिस इज सो क्यूट। रिव्यूज आप लोगों के साथ में बाद में शेयर करूँगी, बट दिस इज सो स्मॉल। आगे देख लेते हैं इजेंशियल फेनस की दो फेस क्रीम्स। इसका रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ चैनल पे, चेकआउट कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद ओ यस जियोडानी गोल्ड के ब्रॉन्जिंग पर्ल्स, सबसे ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ों में से एक चीज़ है। ओह स्टनिंग, कैन यू सी दिस? आप लोग मेरे बैक व्यू का रिफ्लेक्शन देख सकते हो उसमें। प्लस दिस उसके साथ एक ये वाह सॉफ्ट सा स्पंज एंड दीज आर द पर्ल्स। मैं इनको यूज़ करूँगी और इसका रिव्यू आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। आई कैन वेट टू यूज़ देम बाय द वे। उसके बाद ये टेंडर केयर है, इसका रिव्यू भी शेयर कर चुकी हूँ। देन उसके बाद ये लव नेचर का डैंड्रफ वाला शैम्पू है, इसका रिव्यू भी शेयर करूँगी यूज़ करके। उसके बाद जो है वो दी वन की दो फाउंडेशंस मंगवाई हैं, दोनों ऑर्डर की हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है क्योंकि, तो इस वजह से डिस्काउंट पर भी थी। उसके बाद ये क्या था, हाँ कंसीलर पैलेट है ये, आई फॉरगॉट। चीज़ें इतनी सारी थी कि मेरे जहन में ही नहीं रहा कि कौन कौन सी चीज़ थी। जब गाइड छोटी सी, और उसके बाद ये रही पैलेट, मिरर, मेरा कैमरा और ये पैलेट। कंसीलर है, ये है कॉन्टोर और उसके बाद करेक्टर। वेरी नाइस, मुझे लगा था ये दो कंसीलर होते हैं और एक करेक्टर होता है, बट इसमें एक वो होता है कॉन्टोर होता है, बट इसमें तीनों चीज़ें हैं। वेरी नाइस एक्चुअली, स्मॉल बट क्यूट। उसके बाद ये बीबी क्रीम है डी वन की, उसके बाद ये कंसीलर है, देन दिस सच अ स्मॉल नेल पेंट।
इसके बाद प्योर स्किन का ब्लैक हेड्स क्लियरिंग मास्क। सो गाइज ये है ओवरव्यू मेरे पार्सल का, यही है मेरा कंप्लीट पार्सल जो अभी आया है। आई एम सैड कि मेरा दूसरा पार्सल नहीं आया। मैं कोशिश करूँगी कि एक आधे दिन में वो भी आ जाए। जब आ जाएगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो मेरा पार्सल पिछले 6 महीने से फंसा हुआ है एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि अब वो आ जाए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो और ये पार्सल पसंद आया हो। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। चीज़ों के जो भी रिव्यूज़ हैं वो आप लोगों को हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिल जाएंगे, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।